तो हेलो, वेलकम बैक। मैं विनीत कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनीत ब्लॉग्स में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएनसी ऑपरेटर जॉब के बारे में। वैसे तो सीएनसी ऑपरेट करने के लिए आपके पास टेक्निकल स्किल होनी चाहिए और इसकी जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होना ही चाहिए, क्योंकि सीएनसी ऑपरेट करने के लिए आपके पास टेक्निकल हुनर होना चाहिए। विदाउट टेक्निकल हुनर आप नहीं इसको ऑपरेट कर सकते हो। तो वैसे तो अच्छी अच्छी कंपनियों में सीएनसी ऑपरेट करने के लिए टेक्निकल स्किल होना चाहिए, जैसे कि आईटीआई पास, डिप्लोमा पास, बीटेक पास। लेकिन जो लोअर क्लास की कंपनीज है उसमें मैन पावर की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिस कारण से वो लोग अनस्किल्ड लोगों को भी हायर कर लेते हैं और मिनिमम वो क्वालिफिकेशन 10th पास देखते हैं, और यदि आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है काम करने का तो वो लोग हायर कर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं कि सीएनसी ऑपरेट, यदि आप सीएनसी ऑपरेट करते हो तो आपकी यहाँ पे सैलरी कितनी होगी। तो सैलरी जो डिपेंड करता है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो डेली बेजेस सैलरी होती है गवर्नमेंट का। जैसे कि हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे डेली बेजेस जो सैलरी है मिनिमम अनस्किल्ड एम्प्लॉय के लिए 417 रुपया है और स्किल्ड ऑपरेटर के लिए 456 रुपया है, जिसमें बेसिक पर डे का HRA, VDA ये सब पकड़ करके मिनिमम 417 रुपया और मैक्सिमम 456 रुपया है। ये गवर्नमेंट निर्धारित करती है। उसके बाद कंपनी, हर कंपनी का अपना अपना अलग फंक्शन होता है, किसी में ज़्यादा काम होता है, किसी में कम काम होता है। कोई कंपनी ज़्यादा सैलरी देती है और बहुत सारी कंपनी गवर्नमेंट के हिसाब से सैलरी कर देती है। तो ये तो रही बात पेमेंट की। यदि आप पुणे सिटी आते हो और यदि आप जॉब सर्च कर रहे हो सीएनसी ऑपरेटर की, तो आप पुणे में आकर के सीएनसी ऑपरेटर की जॉब कहाँ पे सर्च करोगे और आपको कैसे मिलेगी। तो ऐसे तो पुणे सिटी में चाकन सबसे बड़ी MIDC है, इंडस्ट्रियल एरिया है। वहाँ पे अनगिनत छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है जहाँ पे मशीनिंग का, सीएनसी का काम होता है। यदि आप उस जगह पे जाकर के जॉब सर्च करते हो, जो अनस्किल्ड है, जिनकी क्वालिफिकेशन कम है, वो लोग यदि ट्राई करते हैं तो उनको बड़ी इजीली से जॉब मिल जाएगा। और स्टार्टिंग में आपको कॉन्ट्रैक्ट पे, जो छोटी छोटी कंपनीज होती है वहाँ पे ना ऑन रोल जॉब मिलती है ना कॉन्ट्रैक्ट पे, क्योंकि छोटी कंपनी है। यदि आप धीरे धीरे वहाँ पे कुछ समय तक 2-3 साल निकाल देते हो तो आप कंपनी के एक अच्छे एम्प्लॉय, जैसे कि सुपरवाइजर, टीम लीडर, कोई टेक्निकल अच्छा सा पोजीशन आपको मिल जाएगा। और यदि आपकी क्वालिफिकेशन 10th है, यदि आप बाद में गांव जा करके ITI वगैरह कर लेते हो, उसके बाद किसी अच्छे कंपनी में इंटरव्यू देते हो, तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और आपकी जो डिजिग्नेशन है, आपकी पोस्ट है, वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये एक बहुत ही आसान और सही तरीका है परमानेंट जॉब पाने का पुणे में। ये तो रही छोटी स्किल का, जिनकी अच्छी क्वालिफिकेशन है, जो लोग ITI पास है, डिप्लोमा पास है, बीटेक पास है। वैसे तो पुणे सिटी में और भी बहुत सारे सिटी में आपको एक साल के लिए रखते हैं, ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हुआ फिर आपको निकाल देते हैं। तो ऐसे 2-3 साल आपको सीएनसी ऑपरेटर दो तीन कंपनी में काम करना है, और यदि आपके पास 2-3 कंपनी का सीएनसी ऑपरेटर का एक्सपीरियंस हो गया तो किसी और कंपनी में सुपरवाइजर पोस्ट के लिए, लाइन लीडर पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू दे सकते हो। वहाँ पे यदि आपकी जॉब लगती है तो उसके बाद से आपको कंटिन्यू, मतलब परमानेंट जॉब मिल जाएगी। इस तरह से आपकी परमानेंट जॉब आपको मिल गई और आपकी सैलरी भी अच्छा हो जाएगा। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब बटन नहीं दबाए हो तो जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। यदि आपको हमसे कुछ पूछना है तो ज़रूर कमेंट करें हमारे वीडियो में। फिर मिलते किसी और नए वीडियो में और किसी और नए टॉपिक में।